लेकिन अगर आसिफ अली ने अगर 25 रन करने तो 20 बॉलों पे नहीं चाहिए, अगर इफ्तिखार ने 27 रन करने तो 27 बॉलों पे नहीं चाहिए ये रन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और आज इजी जीत थी न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि जी पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। और हमारी इतने अभी काफ़ी दिनों से यानी कि जी मैं सारे लोग ये वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बैटिंग है मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो कुछ लोग है ना इस पर ये वाली चीज़ कर रहे थे कि जी हमारे जो उनसे पिछले बैट्समैन हैं उनको कहीं इतना टाइम नहीं मिलता, ओवर्स नहीं मिलते, बॉल्स नहीं मिलती, क्योंकि जी वो है ना प्रॉपर अपने आप को है ना एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में एशिया कप से, क्योंकि एशिया कप में बाबर की फॉर्म नहीं थी, और यहाँ आके भी है ना जिस मैच में अगर बाबर ने रन्स किए तो रिजवान ने नहीं किए, रिजवान ने किए तो बाबर ने नहीं किए थे, क्योंकि जी प्लेयर्स को प्रॉपर मौका मिल रहा था। और अच्छी भी चीज़ है कि ताकि अगर ये वाली कंप्लेन है कोई ऐसी भी नहीं है, सही भी है, लेकिन अब मेरे ख्याल में कोई 15-1 मैच हो गए जिसमें हमारे जो बैट्समैन है उसको काफ़ी प्रॉपर मौका मिला है, क्योंकि जो ओवर्स मिले हैं, बॉल्स मिले हैं, सारी चीज़ें, वो इस तरह की बैटिंग नहीं कर सके। तो हमारी जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स को आज मैं नहीं कहूँगा कि जी बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग की है, क्योंकि जी अगर 130 का रन डिफेंड करना पड़े और मैं न्यूजीलैंड में ख़ुद भी खेल रहा हूँ और मुझे पता है कि जी उनकी वहाँ बाउंड्रीज भी कोई इतनी बड़ी नहीं होती, ग्राउंड इतने बड़े नहीं होते, तो काफ़ी मुश्किल है डिफेंड करना। और मैं आज देख रहा था कि ये पाकिस्तान ने आज ये 8 साल के बाद ऐसा मैच हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान ने कोई छक्का नहीं मारा, तो T20 में अजीब सा लगता है। और रीज़न सिर्फ एक ही है कि जी बाबर और रिजवान ने ऊपर से स्कोर नहीं किया, तो हमारी जो उनसे नीचे वालों ने भी ना इतना स्कोर नहीं किया। तो ये हमारे ना लम्हे परेशानी है कि जी ये थोड़ी सी परेशानी का बाइस है, यानी कि इफ्तिखार ने 27 रन किए तो 27 पे अगर आज मौका मिले आपको तो आप एटलीस्ट स्कोर। मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि जी हमें बाबर और रिजवान के साथ नीचे इस तरह के बैट्समैन चाहिए कि जो फिर ना लंबा स्ट्राइक रेट उनका बहुत बेहतर होना चाहिए। 100 के स्ट्राइक रेट से अगर आप खेलेंगे, किसी भी टीम के ख़िलाफ़ खेलें, तो आप नहीं जीत सकते। ये एक चीज़ है ना बिल्कुल क्लियर है। बेशक हमारी टीम ने आज 130 किया है, हम तेज़ खेलते हुए 90 पे आउट हो जाते तो ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हमारी इंटेंट नज़र आनी चाहिए थी कि हम कहाँ खेलते हैं। ठीक है, 130 पे भी हारे, 90 पे भी हार देते, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन ये कि जी अगर हमारे बैट्समैन चल जाते तो हमने 170 कर देना था, जहाँ से हम जीत सकते थे। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि जी आप ना T20 में डिफेंड के लिए जाएँ, आप T20 में जितने भी बैट्समैन हैं वो सारे अटैक के लिए जाते हैं, क्योंकि जी मैंने अटैक करना है। ठीक है ना, अगर कोई रनअप बॉल खेल रहा है तो दूसरी टीम का कप्तान खुश है क्योंकि जी रनअप बॉल खेल रहे हैं। अब जिस तरह आसिफ अली है, क्योंकि जी हम इसको एज ए हिटर कंसीडर करते हैं कि उसने 20 बॉलों पे 25 किया, तो ये इनफ नहीं है वैसे। ठीक है, और मैं दूसरी चीज़ ये देख रहा था क्योंकि जी आसिफ अली ने आज 25 स्कोर जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इसने किया था, उसके बाद से आज ये 25 स्कोर किया है। तकरीबन साल से 1.5 साल हो गई है इस चीज़ को क्योंकि जी किए हुए। तो मैंने कहा कि ये हमारी जो उनकी परफॉर्मेंस है ये बार बार रिपीट होनी चाहिए, बार बार हमें दोहरानी चाहिए इस तरह की चीज़ें। तो ये हमारा है ना वीक लिंक है इस टाइम, क्योंकि जी बैटिंग का ये वाला एरिया ना हमारा वीक लिंक है। और मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँ कि हम अब वीक लिंक है, अब जहाँ आज दूसरा हम ना ये न्यूजीलैंड में खेल रहे थे छोटे ग्राउंड में, आज उनके 3 स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, उन्होंने 12 ओवर दे के 61 रन दे के 5 आउट किए हैं स्पिनर्स ने हमारे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी कंडीशन डिफरेंट थी, क्योंकि जी सब कॉन्टिनेंट से कंडीशन डिफरेंट थी, क्योंकि जी यहाँ कुछ यहाँ भी स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि जी स्पिनर्स ने सारा खेल चलाया, क्योंकि जी 5 आउट भी किए हैं, 12 ओवर भी किए और सिर्फ 61 रन दिए हैं। तो हालांकि फास्ट बॉलर के तो 8 ओवरों में उनको तो 70 रन पड़े हैं, तो पिच में भी एज सच कोई चीज़ नहीं थी। तो ये हमें है ना थोड़ा सा ना इस चीज़ को थोड़ी सी अपनी है ना प्लानिंग है ना
ज़रूर चेंज करनी चाहिए। हमारे बैट्समैनों का जो इंटेंट है ना वो चेंज होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल क्योंकि जी हाँ, अब जिस तरह बाबर है या यूसुफ है, ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं और इनका बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे, कि ये थोड़ा सा हमारे जैसे मिडिल ऑर्डर है ना, ठीक है कि जी आप इनसे ना तवक्को करें इस चीज़ की कि जी आपको 70 रन करके देंगे या आपको 50 रन करके देंगे। लेकिन अगर आसिफ अली ने अगर 25 रन करने हैं तो 20 बॉलों पे नहीं चाहिए। अगर इफ्तिखार ने 27 रन करने हैं तो 27 बॉलों पे नहीं चाहिए ये वाले रन, ठीक है। ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि जी प्लेयर समझे कि ये सारे छोटे हैं मेरे से, कि मैं इन पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ टीम को हेल्प नहीं करती ये वाली चीज़। और जो दूसरे बैट्समैन भी है कि जी हैदर अली ने मेरे ख्याल में आज 11 बॉलों पे आउट किया, तो ये वाली चीज़ हेल्प नहीं करती। जिस तरह हैदर अली पिछले मैच में आके खेल रहा था ना, उसकी इंटेंट वैसी होनी चाहिए कि जी उस तरह आके खेले। सो ये हमारी अपनी टीम को ना थोड़ी सी बैटिंग की जो उनकी अप्रोच है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, कि जी थोड़ा सा एग्रेसिव है ना आपको होना पड़ेगा। अगर बाबर और रिजवान अगर ऊपर से खेल रहे हैं तो जो नीचे मिडिल ऑर्डर का काम है उसकी जो उनकी अप्रोच है वो डिफरेंट होनी चाहिए इनसे। ये नहीं है कि जी टॉप से लेके जो हम सारी बैटिंग है उनकी अप्रोच एक होनी चाहिए, क्योंकि देखो बाबर और रिजवान पे भी बहुत प्रेशर आ जाता है कि जी हर मैच में कि जी इन्होंने स्कोर करना है, तो ये नहीं कर सकेंगे हर मैच में स्कोर। और अभी तक भी जो इन्होंने परफॉर्म किया वो अमेजिंग है, क्योंकि जी मैंने नहीं देखा कभी भी इस तरह की परफॉर्मेंस, क्योंकि जी लोग इतने लंबे अरसे तक इस तरह की परफॉर्मेंस दे, ठीक है। लेकिन ये क्रिकेट में नहीं है क्योंकि जी अगर बाबर और रिजवान हमारे आउट हो जाए तो हमारे पीछे बैटिंग है ना पूरी फ्लॉप हो जाएगी। तो और ये देखो ये क्रिकेट है, हर मैच में इन दोनों का वो नहीं है क्योंकि जी इन दोनों ने ही स्कोर करना है, क्योंकि यही दोनों सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, और ये ले सकते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, ऐसी भी बात कि इनमें एबिलिटी नहीं है, है लेकिन थोड़ी सी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ताकि ये हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहरबानी।